आपको पता नहीं है ना कि एडसेंस जब हम वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पे कैसा डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है यूट्यूब पे कहीं भी बताया गया है। बस ये बताया गया है कि आप अपने पैन कार्ड को सिर्फ अपलोड कर दो यहाँ पे, लेकिन किस क्वालिटी में, किस कंडीशन में वहाँ पे अपलोड करना है खींचकर, एक कहीं नहीं बताया गया है। एक छोटा सा वेरीफिकेशन है वो सर सिर्फ 2 मिनट में वेरीफाई हो जाता है, लेकिन मेरा 3 टाइम वेरिफिकेशन फेल्ड होने के बाद फिर भी मैं फिर से अप्लाई बटन मंगाया यूट्यूब टीम से बात करके, और फिर मैंने 2 बार अप्लाई किया फिर भी फेल्ड हो गया। बस एक जब लास्ट चांस बच रहा था तो यूट्यूब ने हमको मेल किया कि आप हमेशा जो अपलोड कर रहे हो ना वो जो इंटरनेट का कॉपी आप अपलोड कर रहे हो, इंटरनेट मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कि पैन कार्ड हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया और वही हम बार बार अपलोड कर रहे थे, इसीलिए फेल्ड हो रहा है। धूप निकला सवेरे तो मैं बाहर जाकर, बाहर आउटडोर में जाकर फिर से पैन कार्ड का एक फ़ोटो लिया जहाँ पे थोड़ा सा दिखे कि बाहर में भी थोड़ा सा दिखे कि ये मेरा पैन कार्ड है जिसका चारों कॉर्नर दिखना चाहिए कि अगल बगल में कुछ और भी है, तो फिर वैसा फ़ोटो खींच फिर 2 मिनट में सक्सेसफुल हो गया। अब ये चीज़ को खोजने के लिए कहीं नहीं बताया गया है ना कि आप सॉफ्ट कॉपी मत यूज करना। सॉफ्ट कॉपी कहने का मतलब हुआ कि जो इंटरनेट से हम आधार कार्ड या तो पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जो हम डाउनलोड करते हैं उसको अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना है, फिजिकल पैन कार्ड का यूज करना है। फिजिकल पैन कार्ड कहने का मतलब कि जो आपके घर पर आया है ना फोटो, जो आपके घर पर पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आया है वो जैसा भी कंडीशन में है आप उसका ही फोटो लेकर वहाँ पर अपलोड करो, क्योंकि उससे गूगल को ये पता लगता है ना कि आपका जो एड्रेस है वो सही दिया गया है और ये चीज़ आपके एड्रेस पर पहुंचा है, ये वाला आइडेंटिटी। तो ये जब आपके एड्रेस पर पहुंचा है तो मैं जब यहाँ से पिन को रिलीज करूँगा तो वो वाला भी जो पिन है वो आपके एड्रेस पर अच्छा से पहुँच जाएगा। तो बस इसी यही चलते वो सॉफ्ट कॉपी को वहाँ पर से सॉफ्ट कॉपी को रिजेक्ट कर देता है, और हार्ड कॉपी जो भी आपके यहाँ आइडेंटिटी कार्ड है उससे वो सबमिट कर लेता है, मात्र 2 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही है, और भी अगर आपको चाहिए कि आपका अगर एडसेंस से एक्शन बटन हट गया है, अप्लाई होने का नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो या नीचे हो सकते